गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे भाई आज एक गुड न्यूज़ है हम ट्रस्टेड ट्रैवलर्स के लिए, और एक बैड न्यूज़ भी है। आई मीन बैड न्यूज़ नहीं है, लेकिन गुड न्यूज़ को पूरा होने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वो क्यों पता तो, लेकिन सबसे पहले यार आज की दिन शुरुआत करते हैं थोड़ा कॉफ़ी पी के। किचन थोड़ा मेस्ट है बिकॉज ऐसे ही रहता हूँ मैं कभी कभार, और सुबह का टाइम है सो गया। बाय द वे मैं कॉफ़ी भी ऐसी पीता हूँ, मैं ना गर्म पानी करता हूँ ना कुछ करता हूँ, पता नहीं मुझे गर्म कॉफ़ी पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। ब्लैक कॉफ़ी पसंद है बिना शुगर के, ये सब क्यों बता रहा हूँ, बस अपना समझ के बता रहा हूँ। तो गुड न्यूज़ ये है कि काफ़ी सारी जगह खुल चुकी है जो ट्रैवल, खुल चुका है वाराणसी खुल चुका है, एंड आई गेस बैंगलोर भी खुलने वाला है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। बट इशू उसमें यह है कि आपको 14 डेज का क्वारंटाइन करना होगा, जो कि आई डोंट नो यार, लोगों को समझ में नहीं आ रहा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आई वांट टू ट्रैवल बट इक्वली सैड बिकॉज मतलब क्या बनता है, सब खुल गया तो खुल गया, लेकिन उसके बाद अभी कुछ करने लगे है नहीं। बट कोई नहीं, आई होप कि अभी 31 जुलाई के बाद थोड़ा कुछ ओपन होना शुरू हो जाएगा। लाइक मोदी जी आएंगे और एक गुड न्यूज़ हमें दे देंगे कि भाई घूमो। अब दिक्कत ये है कि अगर ट्रैवलिंग चालू भी हो जाए, सब कुछ खुल भी जाए, लाइक पार्शली खुल जाएगा बिकॉज एक साथ सब कुछ खुलना इज़ नॉट पॉसिबल, सब कुछ खुल भी जाए, लेकिन सबसे बड़े हेडमास्टर को मनाना बाकी है भाई, मेरे डैडी को। मतलब मुझे पूरा यकीन है कि वो तो मुझे जाने देंगे नहीं, मतलब अभी से बोल रहे कि तू सोचना मत जाने का, तो अगर जब खुल जाए तो मैं कैसे जाऊँगा मुझे खुद को नहीं मालूम है। थोड़ा एसी ऑन कर देते हैं, हाथ को सैनिटाइज कर देते हैं ताकि हम मास्क को निकाल सके। बैक टू द कार। आप सोचेंगे कि ये हमें बोलता है कि जाओ मत, कहीं जाओ मत, खुद तो गाड़ी में घूम रहा है। वेल उसका आपको रीजन बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, डरो मत। ये देख रहे हो आप, मिर्ची, धनिया, कड़ी पत्ता, दूध, बनाना, लाइजोल, ये दिख नहीं रहा है बट लाइजोल है, और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी है। वैसे ऑनलाइन तो मिलता है सब कुछ, लेकिन मैं ऑनलाइन ले नहीं रहा हूँ बिकॉज मुझे आज तक जो सब्ज़ी मिली है ना ऑनलाइन बकवास मिली है। एंड प्लीज़ डरो मत, गाड़ी चलाता हूँ, फोकस मेरा रोड पे रहता है, बातें करता हूँ आपके साथ, तो डोंट यू वरी अबाउट दैट, सेफ्टी मेरी साथ मुझसे ज़्यादा मेरे इस भाई साहब की चिंता होती है। एंड यस, ये मेरे साथ हर जगह घूमता है बिकॉज इसे गाड़ी में घूमना पसंद है, मेरे साथ नहीं बट गाड़ी में घूमना बहुत पसंद है इसे, खासकर फ्रंट सीट पे। मतलब फ्रंट सीट पे किसी को बैठने नहीं देगा। वैसे आप देख रहे हो ये हेयरबैंड लगाने की नौबत आ गई बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग डूड, सैलून खुले नहीं है, और जो मेरा बाल काटने वाला बंदा है तो वो बंदा एक्चुअली बॉम्बे में है नहीं, एंड अगर बॉम्बे में सैलून खुल भी गए तो भी मैं जाऊँगा नहीं बिकॉज 3 महीने तक मेरी फटने वाली, तो इट्स बेटर नॉट टू गो। मुझे एक्चुअली ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं देख रहा हूँ पिछले आई गेस 6-7 दिनों से देख रहा हूँ। मैं उस इन पेट शॉप पे गया था, कार का एक कवर चाहिए मुझे, जो सीट कवर होता है ना, कि जो इसके लिए सेफ भी हो एंड इसके बाल काफ़ी गिरते हैं गाड़ी में, तो वो भी ना हो, तो यू नो लॉन्ग ट्रैवल होगा तो ही हैज़ टू बी कम्फर्टेबल एंड ही हैज़ टू बी सेफ, वरना क्या ये आगे जम करता है पीछे जम करता है, विच इज़ नॉट सेफ ऑन हाईवे व्हेन यू आर अलोन। तो मुझे वो लेना है, एंड उसके साथ साथ आई हैव टू टेक अ वैक्यूम क्लीनर जो गाड़ी में इसके बाल निकाले, तो ऐसी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मुझे लेनी है बस। तो बस 2-3 चीज़ें हैं, एक तो वेट कर रहा हूँ कि कब लॉकडाउन खुल जाए, और दूसरे अब्बा हमारे मानेंगे कि नहीं वरना हमारा हारमोनियम बजा देंगे वो, तो वो भी है। और उसके अलावा बस घर पे रहिए, स्टे सेफ एंड प्लीज़ वेयर योर मास्क वेयर यू गो। गाड़ी में मैंने नहीं पहना बिकॉज मेरी आवाज़ नहीं आती है, देखो ये भी गिर गया, वो भी बोल रहा है कि तू जाके सामान खरीद, तो इतना ही है। हाँ जी, तो ये रहा आज का ब्लॉग, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए, बस थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर करना था मैंने कर दिया, आई होप आपको समझ में आया। और ट्रैवल अभी मत कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, 31 जून तक वेट कीजिए, बाकी अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा। सो पसंद आया तो लाइक, नहीं आया तो डिसलाइक, और सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर मुझे फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे तो Amitesh2.0 पे फॉलो कीजिए। दैट्स इट फ्रॉम नॉट, टेक केयर, बाय बाय, एंड आई विल कैच यू सून, होपफुली ट्रैवल वीडियो जरूर देखेंगे। और एक चीज़,
मेरा रिकमेंडेशन है कि मेरे जो मनाली का व्लॉग है एक बार चेक कर लीजिए, दिल छू लेगा आपका। ठीक है, चल।